हेलो क्लास, वंस अगेन आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो फॉर योर मैथ क्लास। टुडे आई एम गोइंग टू टेक अ न्यू टॉपिक दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलीनोमियल बाय अ मोनोमियल और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल एंड पॉलीनोमियल। मोनोमियल और पॉलीनोमियल का मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे करना होगा, ठीक है? मैं सीधा एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम्पल से फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, एग्जाम्पल से फाइंड प्रोडक्ट ऑफ A, 6y and 5x square minus 3xy plus 4y square. Okay. So here question is find the product of, we have to multiply 6xy with 5x square minus 3xy plus 4y square. Okay. So solution, अगर इसको मैं लिखूं क्या ले सकता हूँ, 6xy into 5x square minus 3xy plus 4y square, क्योंकि 6y square, 6xy का मल्टीप्लाई इन सब में करना है, इसीलिए इनको ब्रैकेट में रखा गया है। जो चीज एक साथ ली जाती है, एक साथ कुछ करना होता है तो वो एक साथ हम लेते हैं, ठीक है? अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो भी ब्रैकेट में, मल ऐड करना तो भी, डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी करना, हम एक साथ एक ब्रैकेट रखें क्योंकि इनमें से हर एक को मल्टीप्लाई करना है इससे। अगर तुम यहाँ पे ये रिमूव कर दो, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल रिमूव कर दो तो भी मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि रूल कहता है अगर एक ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिखा हो और नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल ना हो तो भी मल्टीप्लाई माना जाएगा, और मल्टीप्लाई का सिंबल है सिंपल सी बात, मल्टीप्लाई उसमें माना जाएगा। लेकिन बाकी कंडीशन में अगर हटा देता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई माना जाएगा, ठीक है? तो दोनों कंडीशन में सही। अब क्या है, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो करना क्या होता है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसी का इसमें करते हैं और इसी का इसमें क्या करते हैं। मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 6xy फर्स्ट विद द 5x स्क्वायर, देन विद माइनस 3xy एंड आफ्टर दैट इन लास्ट विद 4y स्क्वायर। हमें क्या करना है, 6xy का मल्टीप्लाई करना पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ओके? अगर देखा जाए तो पहले हम इसके इसमें करते हैं, रूल वही याद रखेंगे कि पहले हमें सिंबल का सिंबल करना होगा मल्टीप्लाई, मतलब साइन का, फिर नंबर का, फिर वेरिएबल जो लगे हैं उसका, हमें तीन ध्यान रखना होता है। पहले साइन का, यहाँ पॉजिटिव साइन है कोई सिंबल नहीं, तो यहाँ भी प्लस सिंबल माना जाए कोई सिंबल ना दिया हो तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहेगा, तो प्लस सिंबल आगे नहीं लगाते, नॉर्मली जानते हो। अब नंबर का 6 5 30, ओके? अब इसमें से एक लोगे एक्स, लोगे इधर मल्टीप्लाई करो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर थ्री, क्योंकि यहाँ पावर वन है यहाँ पावर टू है, मल्टीप्लाई करने के बाद पावर ऐड होता है तो वन और टू थ्री हो जाएगा। अब वाई, यहाँ पे वाई वगैरह कुछ नहीं है, ये हो जाएगा बस इतना। अब यहाँ प्लस है कोई सिंबल ना है तो यहाँ माइनस, प्लस इन माइनस माइनस, ओके? नाउ इट्स टाइम फॉर द नंबर 6 × 3 18, ओके? नाउ टेक एक्स एंड मल्टीप्लाई विथ एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y into y, y square, ओके? अब फिर यहाँ पे लेते हैं, यहाँ कोई सिंबल तो प्लस मानेंगे, यहाँ पे यहाँ सिंबल प्लस है प्लस y, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, 6 5 24, x सीधा सीधा आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ कुछ भी नहीं है, x आएगा y into y square, y power 3, यहाँ दो वन पावर होता है यहाँ टू पावर, तो 2 1 3, दिस विल बी द आंसर, यही क्या होगा आंसर। इसमें कुछ खास नहीं करना है, बस ध्यान ये रखना है कि ब्रैकेट के बाहर जो भी रहेगा उसका ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स दिए हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तीन टर्म्स एक ये है, एक ये है और एक ये है, इन तीनों के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके? तो मैंने कहा कि मल्टीप्लाई करते वक्त हमें तीन चीज ध्यान रखना था, पहले साइन का साइन में, फिर नंबर, फिर वेरिएबल। पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव टू पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। नाउ टेक द नंबर 6 and 5, 6 5 is 30. Now take the variable
नंबर वाइज वन बाय वन, दैट इज फर्स्ट टेक द एक्स, लुक फॉर द एक्स आर रिगार्डिंग टू एक्स स्क्वायर एनीथिंग रिलेटिंग टू एक्स। यहाँ पे क्या है कि एक्स लोगे और यहाँ पे एक्स रिलेटेड या उसी से रिगार्ड करते हुए चीजों को लोगे, तो यहाँ देखा जाता है एक्स पावर वन है एक्स पावर टू है, मल्टीप्लाई करके पावर एड होगा तो एक्स पावर थ्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे वाई। नाउ यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, सिक्स एंड थ्री सिक्स थ्री जा एटीन। नाउ मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई टू वाई वाई स्क्वायर। नाउ वन सेकेंड टेक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सिक्स फोर या ट्वेंटी फोर। नाउ टेक एक्स, हियर यू ओनली एक्स, नो एक्स इज हियर, सो यू विल नॉर्मली राइट डाउन एक्स हियर। यहाँ सिर्फ एक्स है, यहाँ एक्स नहीं है, तो सिंपल सी बात है आप एक्स रखोगे। उसके बाद नाउ टेक वाई हियर एंड वाई स्क्वायर हियर, दैट इज वाई फॉर थ्री। ये हमारा आंसर है, इसको कुछ खास नहीं करना है। रूल यह ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के बाद जो भी दिया रहेगा टर्म्स, उसका ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट हर एक टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ध्यान यह रखोगे कि साइन का साइन में, नंबर का नंबर में, वेरिएबल का वेरिएबल, वेरिएबल में एक तरह से करते हैं, ठीक है, दोनों को चेक करते हैं। अगर वेरिएबल दोनों में कहीं भी प्रेजेंट है तो लिखा जाएगा, दोनों प्रेजेंट है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वैल्यू तो रखेंगे उसका। उसके बाद इसका एक और एग्जांपल दिया इसमें, बी माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई एंड सिक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू। तो क्वेश्चन इसी का है, तो हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई, ब्रैकेट सीधा लगा दो, क्योंकि बिना ब्रैकेट अगर एक नंबर के बाद तुरंत ब्रैकेट लगता है, बीच में कोई नहीं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। सिक्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू। ओके, हेयर सिंबल इज माइनस, हेयर इज प्लस, माइनस प्लस माइनस। नाउ मल्टीप्लाई फाइव इज सिक्स, सिक्स फाइव थर्टी। नाउ टेक द एक्स स्क्वायर, हियर इज एक्स स्क्वायर, हियर इज आल्सो एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर विद एक्स स्क्वायर, दैट इट विल बिकम एक्स पावर फोर। नाउ टेक वाई, हियर इज वाई पावर वन, आल्सो हियर वाई पावर वन, वाई पावर वन टू वाई पावर वन, वाई पावर टू। ओके, अब आप यहां पर ले चलो, माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। नाउ नंबर फाइव फोर जेड ट्वेंटी, एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स पावर थ्री, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई पावर थ्री। यहां पर माइनस और यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस, फाइव टू जा टेन, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, क्लियर। तो ये इसका आंसर हो गया, क्या गया इसका एंसर हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, आपको जब भी मल्टीप्लाई करना है तो बाहर वाले का मल्टीप्लाई हर एक में करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, पहले फिर, तो नॉर्मली ऐसे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनोमियल, तो
मैं सीधा एग्जांपल सॉल्व करता हूँ क्योंकि ऐसे एक्सप्लेन करने से बेटर है कि एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल दे रखा है मल्टीप्लाई 6a + 8b मल्टीप्लाई 6a + 8b एंड 5a - 4b हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मैं सॉल्यूशन करूं तो जो है 6a + 8b इंटू 5a - 4b ठीक है। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई सिंबल लगा दिया लेकिन नॉर्मली मल्टीप्लाई सिंबल नहीं लगता, ये सीधा से ऐसे लिख देते हैं। मतलब दो ब्रैकेट के बीच में अगर लगातार दो ब्रैकेट आते हैं उनके बीच में कोई सिंबल नहीं दिया है तो हम ऐसे एज्यूम करेंगे क्या है मल्टीप्लाई सिंबल है। अब क्या है इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, दोनों से जैसे है ना कि 2 × 3 लिखते हैं तो क्या होता है 2 का टेबल 3 टाइम करो या 3 का टेबल 2 टाइम करो, यही होता है ना। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो चाहे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, मतलब क्या होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल होता है या तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो, स्पेशली हम करते क्या है इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ करते हैं फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले के साथ। और इस दौरान करते क्या है पहले इसका एक टर्म देते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं फिर इसके साथ, मतलब इसमें का एक टर्म लोगे और इसमें जितने भी टर्म्स रहेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, सबके साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, जैसे ही खत्म होगा फिर आप इसको लोगे इसमें मल्टीप्लाई, मतलब पहले आप इसको लोगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे फिर इसमें करोगे, मतलब इसको लोगे तो सब में करोगे, दो से ज्यादा भी रहेंगे तो भी करोगे, मतलब जितने रहेंगे सबका एक बार इसको लोगे कैरी करोगे तो सब में मल्टीप्लाई करके रखो छोड़ोगे फिर उसका खत्म काम सबसे मल्टीप्लाई फिर इसको लोगे और जितने भी टर्म्स रहेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे दो हैं दो ही टर्म्स मल्टीप्लाई, दो टर्म्स दिए हैं दो ही टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अब क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं 6a का 5a में, तो क्या पहले सिंबल देख लेते हैं यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव 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 रहेगा 6 × 5 = 13 a × a a² नाउ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है प्लस माइनस माइनस 6 × 4 = 24 यहाँ पे a है यहाँ पे a नहीं है a का a आ जाएगा यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे b है, मतलब वेरिएबल दोनों जगह चेक करोगे। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे ना हो और यहाँ पे जाए तो उसको छोड़ दो, नहीं हमें दोनों वेरिएबल रखना पड़ेगा ठीक है। a है यहाँ पे नहीं a आ गया यहाँ b नहीं है लेकिन यहाँ पे b है तो b में रखना पड़ेगा क्लियर। तो हमने 6a का दोनों मल्टीप्लाई कर दिया ओके। अब 8b कर देते हैं यहाँ प्लस है और यहाँ सिंबल कोई नहीं तो प्लस ही मानेंगे 8 × 5 = 14 यहाँ पे क्या है b और यहाँ पे b है बस यहाँ पे a है ठीक है। उसके बाद इसका इसमें करो प्लस माइनस माइनस 8 × 4 = 32 b × b अब बात सुनो ए भी मतलब क्या होता है ए इंटू बी, जब ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करते हैं तो हम क्या लिखते हैं ए बी लिखते हैं, बी का मल्टीप्लाई एक साथ करें तो क्या लिखते हैं बी ए लिखते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये दोनों सेम है ए इंटू बी को चाहे बी इंटू ए का हो वह सेम है, इस हिसाब से कह सकते हैं ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो दोनों मतलब क्या है सेम। ऐसा इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहां देख सकते हो एक जगह हमने क्या लिखा है ए बी लिख रखा है और यहां क्या लिख रखा है बी ए, मतलब या तो इसको बी ए लिखो दोनों को सेम करो क्योंकि दोनों सेम है ए बी और बी ए दोनों सेम है, तो या तो इसको बी ए कर दो या तो इसको ए बी कर दो ठीक है। लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं अल्फाबेट के हिसाब से रखते हैं, मतलब पहले ए आता है फिर उसके बाद बी आता है, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे वेरिएबल का ध्यान रखोगे अल्फाबेट के हिसाब से रखते हैं ठीक है। अगर जितने भी अल्फाबेट हैं ए आता है फिर बी फिर सी फिर डी जैसे रहेगा क्रम वाइज ठीक है वैसे आता है। अगर इसको मैं करूँ 30a² - 24ab + 40ab - 32b² ठीक है। अगर देखा जाए तो हमें क्या करना थोड़ा चेक करना होता है क्या कहीं पे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ए स्क्वायर अकेला है क्योंकि यहाँ पे और कहीं ए स्क्वायर नहीं है
अगर देखा जी ये दोनों सेम है, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड करना तो लाइक होना चाहिए। लाइक मतलब उनका वेरिएबल पावर के हिसाब से और वेरिएबल के हिसाब से दोनों सब सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी हो, अगर यहाँ 8 पावर 2 हो जाए और यहाँ 8 पावर 1 ही रह जाए तो ये दोनों अलग है, ठीक है। मतलब पूरी तरह से यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए बी दोनों सेम है। अब देखते हैं ऐड कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट, यहाँ एक माइनस में और एक क्या है प्लस में, एक माइनस और एक प्लस में से माइनस होता है। तो मैं अगर करूँ सॉल्व क्या लिखूंगा 30a², ठीक है। अगर देखोगे तो बड़ा है और ये छोटा है, 40 में से 24 माइनस 16 तो इसमें कुछ खास नहीं करना होता है। जब भी हमें दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले ब्रैकेट का ही भाग दूसरे में करते हैं, इसका एक टर्म लेंगे दूसरे वाले की सभी टर्म्स मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसका दूसरा टर्म लेंगे और बाकी सभी मल्टीप्लाई कर देंगे। एग्जाम्पल 9 हम जो कह रहे हैं मल्टीप्लाई (5x²-3x+7) बाई 2x+4। मतलब सॉल्यूशन का मैं लिखूं तो हमें क्या कहा कि पूरा का पूरा 5x²-3x+7 में पूरे के पूरे में किसका मल्टीप्लाई करना है 2x+4। क्लियर, तो मैं लिखूं इसको सिस्टमेटिक हो जाए 5x²-3x+7 और ये 2x+4। अब इसका चाहो तो इसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे इसका चाहो तो इसमें करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका करोगे तो पहले इसका इसमें करोगे, इस इसमें करोगे, फिर इसका करोगे तो इसमें और फिर इसमें, इसका फिर इसमें और फिर इसमें, मतलब कर सकते हो। अगर इसका भी करोगे तो वही आएगा, ठीक है। इसका करोगे तो पहले इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे, फिर इसमें करोगे 7 में, फिर इसका एक बार इसमें करोगे, इसमें करोगे और फिर इसमें, मतलब एक ब्रैकेट का किसी एक क्या करोगे लो और दूसरे वाले ब्रैकेट के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसमें कुछ सोचना नहीं है, उसमें कुछ सोचना नहीं है, पर किसी भी एक ब्रैकेट के एक टर्म को लो और दूसरे वाले ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो। लेकिन ध्यान रखो कि जिसका लोगे उसी को पावर लेते रहोगे, ऐसा नहीं कि भाई इसका ले लिया भाई उसका ले लिया तब तुम से गलत कर दो। मैंने लिया ना पिछले क्वेश्चन में, एक बार पहले वाला लिया था, एक लिया मल्टीप्लाई किया पूरा मल्टीप्लाई, फिर दूसरे वाला उसी का लिया, ठीक है, जिसका पहले लिया था। तो अगर मैं लिखूं इसको फिर से 5x²-3x+7 और फिर 2x+2, इसी को लेते हैं, इसका लो इसमें मल्टीप्लाई करो, यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, प्लस ही रहेगा नंबर का नंबर में 5 + 10 x²-3x+3। अब इसका इसमें करना पड़ेगा, क्लियर। अगर देखा जाए तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस, तो पॉजिटिव रहेगा 5×4=20x². ओके, नाउ इसका लो, इसका इसमें करोगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 3×2=6 x×x(x²). अब इसका इसमें करो, प्लस माइनस माइनस, 3×4=12x(12x) लिखाएंगे। अब इसका इसमें करोगे क्योंकि 2 का हो गया 4, अब इसका करो, यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, 7×2=14 और x, अब लास्ट में ये बचता है 7×4=28।
अब देखते हैं क्या कहीं ऐड और सबट्रैक्ट करने के चांसेस बनते हैं, तो हाँ बन रहे हैं क्योंकि यह और यह एक्स स्क्वायर है, तो आपस में ऐड और सबट्रैक्ट हो सकते हैं, और यह लाइक है कि आपस में आप ऐड और सबट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर मैं करूँ इसको क्या सकता हूँ, 10x³ + 20 में से 6 माइनस हुआ 14x² 14 - 12 2x + 28 एंड दैट इज द आंसर। यही क्या होगा आंसर होगा। ओके सो मैं इतना करा दे रहा हूँ, आई होप कि इसी बेसिस पर आप सभी क्वेश्चन क्या करोगे कर सकते हो, आप इसका एग्जाम एक्सरसाइज सॉल्व करना 6B और जो भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा जिस भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।